सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं मैकबुक रिकन्फिगरेशन के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को यार वो अपने पर्सनल ईमेल से मैकबुक को कन्फिगर कर दिए हैं एंड दैट्स वाई दे आर वरीड। तो आई वुड लाइक टू से कि यार टेंशन ना लो, वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पर्सनल मेल से कन्फिगर कर भी दिए हो तो रिकन्फिगर कर सकते हैं एंड इवन उसके लिए आप टेक्निकल टीम का भी हेल्प ले सकते हो। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के बाद एक दो दिन तक इंडक्शन प्रोग्राम चलता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चलता है, तो वो सारा कुछ आपको हेल्प करते हैं टेक्निकल टीम, वो सारा कुछ आपको कॉन्फ़िगर कर देंगे। अगर बाय द वे वो ख़त्म हो गया है आप को बाद में अगर आपका रिसीव हुआ है लैपटॉप तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके लिए बेसिक आप अपने सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो टिकट रेज कर देंगे आपके लिए एंड दे विल हेल्प यू इन दैट। इवन कि आप पर्सनली खुद अपना ADID को कॉन्फ़िगर करके अपने पर्सनल PC पे एंड टिकट रेज कर सकते हो एंड फिर वो आपके सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हो, आप खुद से करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं सोल्यूशन ले आया हूँ। ओके, आप इस तरीके का इस वे को यूज़ करेंगे तो आप रियली मैं बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली खुद से बहुत ही लेस टाइम में विद इन 5 to 10 minutes में आप इस मैकबुक को रिकन्फिगर कर सकते हैं, यानी ADID के थ्रू कन्फिगर कर सकते हैं। ओके, तो गाइज बस क्या करना है कि आपको एक बार क्या करना है, सिस्टम को ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपको लॉन्ग प्रेस करना है। ओके, लॉन्ग प्रेस करके रखे रहना है जब तक कि सेलेक्ट ऑप्शन ना आ जाए, ओपन हो ना जाए आपका सिस्टम। ओके, जैसे ही आपका लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो जैसे ही सेलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद छोड़ देना है। छोड़ने के बाद क्या करना है आपको, सेलेक्ट ऑप्शन जैसे चूज करेंगे वहाँ पर रिकवरी असिस्टेंट आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे रिकवरी असिस्टेंट दिखेगा मैकबुक के, ठीक है। वहाँ पे आपको रिकवरी असिस्टेंट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, रिकवरी का एंड इरेज मैक का। तो आपको क्या करना है, इरेज मैक को चूज करना है। जैसे ही इरेज मैक को चूज कीजिएगा इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद ये आपके जो मैकबुक है जो आपने पर्सनल ईमेल आईडी से Apple ID से कन्फिगर किया था उस चीज़ को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा एंड फिर आपका स्टार्ट कर देगा आपका सिस्टम बिगनिंग से, जहाँ पे आपको आपने जब फर्स्ट टाइम जब इस चीज़ को कर रहा था तो सेलेक्ट लैंग्वेज आ रहा था, तो सेलेक्ट लैंग्वेज आएगा। सेलेक्ट लैंग्वेज आने के बाद आपको एक्टिवेट मैक पे क्लिक करना है। एक्टिवेट मैक पे क्लिक करेंगे वहाँ पे फिर से आपको नॉर्मल जैसे आप पर्सनल ईमेल आईडी यूज किए थे वहीं पे आपको क्या करना है, यूज़ करना है ADID। तो ADID होप सो कि गाइस ADID आपको एटलीस्ट पता होगा। तो ADID क्या होता है, आपका फर्स्ट लेटर, ओके, फर्स्ट नेम का फर्स्ट 2 कैरेक्टर प्लस आपका एम्प्लॉई आईडी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान के चलो मेरा नाम सैलेंद्र है तो मेरा फर्स्ट लेटर 2 लेटर SH होता है, उसके बाद एम्प्लॉई आईडी, उसके बाद @bipro.com। तो इस ADID को यूज़ करके कन्फिगर करना है एंड जैसे ही कन्फिगर करेंगे गाइज बहुत ईजी है, पासवर्ड वगैरह आपको इंटर करना है एंड इंटर करने के बाद जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा Apple ID यानी ADID, दैट मीन्स कि आपको कुछ देर तक एटलीस्ट इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है। और गाइस ये सारा प्रोसेस में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है, तो इंटरनेट कनेक्ट करके रखना है एंड जब आप ये कन्फिगर कर लेंगे मैकबुक को तो ये आप खुद से ही क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये विप्रो के क्लाउड सर्वर से क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेगा। ओके, तो उसको डाउनलोड करने देना है एटलीस्ट यार कुछ देर तक, कम से कम 3-4 घंटे तक यार इंटरनेट से कनेक्ट करके छोड़ देना, सिस्टम को ऑन करके छोड़ देना ताकि वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके। ऐसा नहीं है कि आप ऑफ कर दोगे तो नहीं कर पाएगा, हाँ एटलीस्ट कुछ देर तो रहने देना, एटलीस्ट आधे से 1 घंटा रहने देना ताकि जब आप सेकेंड टाइम ऑन करेंगे तो उस समय इंटरनेट से कनेक्ट करके क्या करेगा, ये आपके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देगा। बट एटलीस्ट हाफ एन आवर यार कनेक्ट करके रखना, इट विल बी बेटर, बिकॉज कि अगर आप नहीं कनेक्ट करके रखते हो तुरंत से ऑफ कर दोगे तो ब्लैक स्क्रीन अपीयर होने लगता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। तो उस सिनेरियो में भी आपको टेक्निकल टीम हेल्प करती है एंड वो लोग रिजॉल्व कर देते हैं। एंड गाइज अगर ये सारा पार्ट जो मैं बताया अभी अगर आपको थ्योरी जैसा लगा हो, आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको टेंशन सा लग रहा होगा, तो एक मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर आप इजीली स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को फॉलो करके क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड नाउ गाइस बात कर लेते हैं विंडोज वाले, तो विंडोज वाले के लिए ऑलरेडी मैं वीडियोज बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो आप विंडोज को भी अगर पर्सनल ईमेल आईडी से कॉन्फ़िगर कर दिए हैं तो उसको भी आप रीसेट कर सकते हैं। विंडोज में बहुत ईजी है, इवन मैक में भी ईजी है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी यार पर्सनल एमेल आईडी से वो कन्फिगर कर दिए, बट इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि आप खुद से कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे एंड आप अच्छे से अपने मैकबुक को यूज़ कर पाएंगे। सो अगर गाइस वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो यार बस एक हेल्प चाहिए और वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक तो बनता ही है, लाइक तो कर दे हुए आई नो एंड ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।